بسم الله الرحمن الرحيم. आज की रात मुझे ईमान से बताइए आज की रात मसाइब पढ़ने की जरूरत है? हाँ हाँ, दिलों पे हाथ रखे उनके इमाम ज़माना, हमसे उस जद्दा का भरोसा लीजिए जो रोती दुनिया छोड़, हमें उस जद्दा का भरोसा लीजिए जो पहलू पे हाथ रख के दुनिया छोड़ गया। मौला हमसे उसका भरोसा लीजिए जिसके गुस्ल में अली धाड़े मार मार गया। यहाँ इमाम ज़माना हमसे उस ज़हरा का भरोसा लीजिए जो 18 साल के सिन में कहती रही यादा मेरी मौत को करीब कर दे। इमाम ज़माना हमसे उस जद्दा का भरोसा लीजिए जिसे मुसलमानों ने सच्चा ना मान के वापस पलटा दिया। हमसे उस जद्दा का भरोसा लीजिए 18 साल के सिन में जिसके स्याह बाल सफेद हो। जब अली दाखिल बैत होते थे ना, ज़हरा चेहरे पे चादर डाल लेती थी, बीबी चेहरा नहीं दिखाती थी मौला अली। अली ने तड़प के जो है एक दिन अली का सब्र जवाब दे दिया, रोकर कहा सैयदा कोई इजहार बेजारी है? तड़प के कहा आपसे कैसे इजहार बेजारी? कहा फिर चेहरा क्यों छुपाती हैं? कहा मुझे हुक्म ना दीजिएगा। अली ने मजबूर किया, ज़हरा ने चादर हटाई, अली जमीन पर बैठ गए चेहरे पे नील के निशान। अल्लाह ही बेहतर जानता है सैयदा कितनी जख्मी थी जब इस दुनिया से गई। दोस्तों एक एक सांस पे ज़हरा को तकलीफ थी। कहा सलमान चचा सलमान मैं सांस लूं मुझे तकलीफ होती। आयतुल्लाह वहीद खुरासानी फरमाते हैं उंगली टूटी हो इंसान को नींद नहीं आती, अल्लाह जाने जिसकी पसलियां ही टूटी। बस कायनात के अजब मजलूम है अली और बदलू। मुश्किल तरीन लफ्ज़ जनाबे अली की जिंदगी का सामने बिठाया जनाबे ज़हरा ने और एक मरतबा वसीयतों का आगाज किया। वसीयतें क्या थी? ज़हरा अपना मसाइब पढ़ रही थी और अली बैठे मातम कर रहे थे। आज की रात दोस्तों शर्मा के रोने की रात नहीं है। आज की रात मैं आपसे तकाजा भी ना करूँ ऊंचा रोने का। आज आप जाने जनाबे ज़हरा का भरोसा जाने, इमाम ज़माना जाने। रोशनी तो है नहीं, कोई आपको देख नहीं रहा, आपके कौन सा रोने पे पाबंदी है? आपको कौन सा रोने पे ताजियाने मारे जाते हैं? आपने तो सहूलत से ज़हरा को रोना है। मौला अली सामने बैठे सैयदा मसाइब पर या अली, और एक पहला ही जुमला ऐसा कहा, खुदा की कसम मैं और आप नहीं गुमान कर सकते ये अली के लिए जुमला कितना संगीन होगा। पहला जुमला इतना संगीन है, अगर मैं उस पे छोड़ दूं तो मुसीबत के लिए काफी है। एक मर्तबा रोकर बात का वसीयत का आगाज किया और पूछा या अली कहीं इस कनीज ने खिदमत में कोई कमी तो नहीं?
मेरे हसनैन पे बड़ी खुशी है। और उसके बाद बीबी ने जो जुमला कहा, खुदा की कसम और फा हैरान है बीबी के जुमले पर, ये नहीं कहा या अली मेरे जनाजे पे मेरा दुश्मन ना आए, या अली मेरे जनाजे पे आपका दुश्मन ना आए। जब सैयदा ने अपने जनाजे को भी मयार हक को बातिल बना दिया, फरमाया या अली मेरे जनाजे में खुदा का दुश्मन ना आए। सलाम है सैयदा कायनात पर। अब उसके बाद देखें ये बात याद रखिएगा, सैयदा बारे उरफा का कहना है सैयदा उम्मुल मोमिनीन है, हकीकी उम्मुल मोमिनीन अगर कोई कायनात में है, उम्मातुल मोमिनीन तब तक थी जब तक उनकी सांसें चल रही थी, वो हुर्मत निकाह की वजह से माँ करार दी गई, उनका सिलसिला कता हो गया, आज और सुबह कयामत तक मोमिनों की माँ है तो वो जनाब ज़हरा है। अब हर कोई अपने कलेजे पे हाथ रखे और सलाम करे ज़हरा पर, खुदा की कसम हम कैसे हक अदा करें फजाइल व मसाइब ज़हरा का, क्योंकि ज़हरा जाते हुए हमें भूली नहीं, कम अज कम सैयद कलेजे थामे का या अली कयामत तक आने वाले मेरी औलाद पे मेरा सलाम। मेरे में दम नहीं है, मैं तमाम करता हूँ, लीजिए बस एक रिवायत और आपकी सहमत तमाम। सैयदा ने दुनिया को छोड़ा, कितना मुश्किल वक्त है अली के, कितना मुश्किल। मैं अगली मंजिल समनाबाद में अल-फातिमा में यहीं से आगे मसाइब को सुना दूंगा, बस ये जुमला सुनिए और मेरी आपकी सहमत तमाम। हजूर मैं बार बार, और ये मुसीबत का एक अजब ही रुख है खुदा की कसम, ये इस पर दिल करता है मातम करने को। ये ईरान के बुजुर्ग आलिम दीन है, उन्होंने दो मंजर है जो मिलाए हैं वो मैं आपके सामने मिला के सहमत तमाम कर दो। और सोचे अली पर कितना मुश्किल वक्त है, रात की तारीकी है, दुनिया सो रही है और जख्मी ज़हरा का जनाजा अली के कदम है। आगे पिताइयान में दो वाकयात मिलाए हैं, मैं वो कहते हैं ये मुश्किल क्यों है। देखिए एक वक्त था जब हिजरत की ना रसूल ने मक्का छोड़ा, रसूल मदीने आ गए, मगर जनाबे ज़हरा को साथ नहीं लाए, वो पीछे मक्का में रह गई थी, और भी चंद मखदूरात इस्मत थी। मौला अली भी कहा या अली मेरे बाद ये अमानतें देना और मुझे आकर मिलना, मुझे मदीने में ले आना मेरी ज़हरा को और दीगर बीबियों को। रसूल दाखिल मदीना नहीं हुए, अकबा में ठहर गए कि जब अली व बतूल आएंगे मैं तब जाऊँगा। वो फरमाते जब अली ये छोटा सा काफिला लेकर आले मोहम्मद की खवातीन का, अभी निकाह नहीं हुआ जनाब अली व बतूल का, जब निकले ना मदीने की तरफ, मुशरिकों ने मीटिंग की, उन्होंने कहा देखो मुस्तफ़ा तो चला गया मगर मुस्तफ़ा की बेटी यहीं पर है, अगर हमने मोहम्मद बिन अब्दुल्ला की बेटी पे कब्जा जमा लिया ना, ये मजबूर होकर वापस मक्का आएगा। ये सोच के उन्होंने उस काफिले पे हमला किया जिसमें जनाबे ज़हरा थी, और उस ऊँट पर हमला किया जिसमें जनाबे ज़हरा सवार थी। जब हमला किया ना तो जनाबे ज़हरा दहशत ज़दा हो गए, अली ने देखा, अली ने सवारी छोड़ी, तलवार निकाली, मेरा मौला उस ऊँट के इर्द गिर्द जहाज शुरू किया जिस पे जनाबे ज़हरा सवार थी। मेरे मौला ने सब लाइनों को भगा दिया मगर शदीद जख्मी हुए अली। जब सब भाग गए ना, अली ने तलवार नयाम में रखी, मातम के लिए मैं जुमला अर्ज़ करने जा रहा हूँ, अली उस ऊँट के पास आए जिस पे ज़हरा सवार थी, एक मरतबा उसकी रकाब को थामा और एक सवाल किया, क्या बिन्ते पैगंबर आप खैरियत से हैं, मातम की तैयारी करना, कब बिन्ते पैगंबर आप खैरियत से हैं। जनाबे ज़हरा ने जो जुमला कहा उसे नोहा समझना, फरमाया जिनके साथ हैदर करार हो उन्हें किस बात की परेशानी, जिनके साथ हैदर करार हो उन्हें तो खैरियत होती है। बस उसके बाद अली सवार नहीं हुए, अली ने मोहार थामी और सारा रास्ता पैदल चले, वहां मुस्तफ़ा इंतजार कर रहे थे, ले जाके मुस्तफ़ा को मोहार थमाई। जब मुस्तफ़ा को मोहार थमाई ना तो मौला ने एक जुमला कहा, बस अब मातम करना है, मैं ज़हमत तमाम करने जा रहा हूँ। ये कहकर अपनी मोहार पकड़ाई, मोहार ये कहकर, या रसूल अल्लाह ये लीजिए, देख ले मैं खैरियत से ज़हरा को ले आया हूँ। जब काना देखे मैं खैरियत से ज़हरा, रावी कहते हैं मुस्तफ़ा को तो खुश होना चाहिए था, हमने देखा मुस्तफ़ा की आंखें छलकने लगी, मुस्तफ़ा रोने लगे, किसी को समझ ना आई ये खुशी के मौके पे मुस्तफ़ा रो क्यों रहे हैं। हाँ ये राज खुला उस शब में जब रात की तारीकी में जख्मी ज़हरा का जनाजा लेकर अली कब्र पर आए, नक्शे कब्र को हटाया, मुस्तफ़ा के हाथ बरामद हुए, कहा अली मेरी ज़हरा मेरे हवाले करो, अब अली
डूबी हुई।